सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नरेशन का दूसरा भाग बन चुका है और उसको देख लीजिएगा। अब हम तीसरा भाग बनाने जा रहे हैं। तो अगर पहला भाग नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, पहला नियम उसमें है। दूसरा अगर भाग नहीं देखे वो दूसरा नियम उसमें है। हम तीसरा नियम बताने जा रहे हैं हल्का से। दूसरा नियम हम एक दो एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे यानी कि राम सेड टू हर कामा इनवर्टेड कामा You was going to school। राम सेड माने राम ने कहा, टू हर माने उससे, राम ने उससे कहा यू वाज गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। देखिए हम इसका एक सूत्र हम लिखाए हैं, वीडियो वन में देख लीजिएगा। 123 बटे सन और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या है यू है, और थर्ड पर्सन क्या है ही सी ईट दे केहू नेम यानी केहू नाम, ये थर्ड पर्सन है। तो कहने का मतलब राम से राम ने कहा टू हर माने उससे यू वाज गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। देखिए नारेशन इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हम ये देखेंगे जो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये किससे प्रारंभ है। अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता से प्रारंभ है। अगर कर्ता से प्रारंभ है तो हम क्या करेंगे, अब यहां देखिए रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है। जैसा कि हमने कहा है अगर से यानी कि कैसे हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म रहेगा तो समझ लेना कि सेड और कामा के बीच में कुछ ना कुछ लिखा है। इसका मतलब कि सेड और कामा के बीच में जो लिखा है ये हमारा कर्म यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आती है कि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो तो हम क्या करते हैं, राम सेड को टोल्ड में बदल देते हैं और टीओ को हम नहीं लिखते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए अब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हमने कई बार कहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होता है तो हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हमेशा दैट का ही प्रयोग करते हैं। तो ये राम टोल्ड हर दैट, तो हमने बताया है कि अगर कामा इनवर्टेड कामा जब हट जाए तनिक रुक जा, अब देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है। अब यहां हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू है। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, अब हम देख रहे हैं यू जो है वो सेकंड पर्सन है। अब देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि सेकंड पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे किसके अनुसार, उसको बदलेंगे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो यहां देखिए हम रिपोर्टेड स्पीच
का कर्ता सेकंड पर्सन है तो इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार ही ऑब्जेक्ट, तो यहां ऑब्जेक्ट रहे हर, तो हर के मतलब ये सी सी। अब ये नहीं रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को बदलने के बाद केवल एक स्टेप और है, उसी का और ध्यान दे दीजिए बस, केवल वो है टेंस। आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता हिंदी टेंस किस टेंस में है, यू वाज गोइंग टू स्कूल, मतलब कि जिस सेंटेंस में वाज या वेयर हो और उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो हम समझ लेंगे ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसमें सहायक क्रिया या तो वाज लिखी रहेगी या तो बेयर लिखी रहेगी और उसके आगे जो क्रिया लिखी रहेगी उसमें आईएनजी लगा रहेगा। अब देखिए इसमें वाज लिखा हुआ है, उसके आगे जो क्रिया लिखी है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब बात आती है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किस टेंस में बदले, तो जो नियम है जो हम पार्ट वन में हम बताए हैं उसके अनुसार पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। कहने का मतलब अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसी सीन आती है कि हम यानी कि जो डायरेक्ट नरेशन है, जो डायरेक्ट में है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच का सहायक क्रिया वाज है, उसमें मतलब क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, इसको हमें अगर बदलना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, उसमें हम क्या कर देते हैं, वाज की जगह पर हैड बीन लिख देते हैं, केवल वाज या बेयर, अगर वाज लिखा रहेगा तो हैड बीन कर देंगे, बेयर लिखा रहेगा तो हैड बीन कर देंगे, बाकी वही पूरा हम उतार लेते हैं। अब कुछ बच्चे हमारे सोचते होंगे काहे मतलब काहे बरे पूरा उतार लीनिया, क्योंकि अगर प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो अगर वो भी कंटीन्यूअस है तो चाहे जो भी कंटीन्यूअस टेंस होगा उसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा और उसमें आईएनजी लगा रहेगा। तो जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो उसका नियम क्या है, उसमें सहायक क्रिया हैड बीन है, तो जिस टेंस में हम बदलते हैं उस टेंस के सहायक क्रिया लिखेंगे, तो उस टेंस का सहायक क्रिया हैड बीन है। अब फिर अब यानी कि उसमें हैड बीन के आगे जो भी क्रिया लिखी जाती है पहली बार तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और उसमें आईएनजी लगा रहेगा, तो वही इसमें पहले से ही आईएनजी लगा है इसलिए हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसको उतार लिया हमने। नंबर दो, नंबर दो है जिसे आई सेड, आई माने मैंने, सेड माने कहा टू हिम, मैंने उनसे कहा, कामा इनोटेड कामा, वी यानी कि आई सेड, मैंने कहा टू हिम उनसे, वी रीड ए बुक, आई सेड टू हिम कामा इनोटेड कामा वी रीड ए बुक। अब देखिए इधर यानी कि अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो तो हम क्या करते हैं, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं
औती ओतु को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तो हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जब हमारा दैट हट गया अब तनिक रुक जाएंगे, अब देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता वी है, अब वी जो है किस यानी कौन सा पर्सन है, और हमने देखा वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अब देखेंगे किसके अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन है इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि कर्म और कर्ता के अनुसार। तो अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या है, यहाँ आई है तो वी की जगह पर इसको हम आई को लिख देंगे, तो वी की जगह पे आई होगा। जब हमारे यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर चेंज होगा, अब टेंस में वही लास्ट स्टेप टेंस में परिवर्तन कर दीजिए। क्यों कर देंगे? क्योंकि जब जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में रहता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियमानुसार बदल देते हैं। अब देखिए, अब जिसे यहां रीड है तो रीड रेड रेड, अब क्योंकि देखा रीड रेड रेड तीनों वही है। अगर हम इसको मान लीजिए जैसे सहायक क्रिया नहीं है, अब क्रिया अगर इसको सेकंड फॉर्म में मानते हैं कि ये मान लीजिए सेकंड फॉर्म में है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो ना है पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाए। लेकिन अगर इसको मानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में है और सहायक क्रिया नहीं ना, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो इसको हम मान ली फिर हो जाए काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाए। अब ये है, ये तो आपके ऊपर है कि इसको किस फॉर्म में मानते हो भाई, रीड रेड रेड। अब ये तीनों का स्पेलिंग वही है, अब ये सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म? अगर इसको फर्स्ट फॉर्म मानते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर इसको कह देने की सेकंड फॉर्म मानते हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानते हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाए, अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानते हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाए। तो अगर हम इसको मान लीजिए इसको मानते हैं सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म अगर मानेंगे तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जिस टेंस में हमको बदलना है अब वो पे सहायक क्रिया लिखी जाए और उसके सहायक क्रिया के अनुसार क्रिया लिखी जाए। अब जैसे उसका सहायक पास्ट परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया है हैड, और हैड के आगे जो भी क्रिया लिखी जाएगी वो क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखा जाए। तो रीड रेड रेड स्पेलिंग वही है, आर ई ए डी रीड ए बुक, ये हमारा तीसरा नियम है। जो दूसरा नियम हम बनाए हैं भाग पार्ट टू में देख लीजिएगा, उसका हम दो एग्जाम्पल दे दिए। अब देखिए नियम तीन, तो नियम तीन क्या है? नियम तीन है नियम तीन है जैसे ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। अब यहां ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से, सहायक क्रिया क्या है? डू डज डिड बिल सेल इज आर एम वाज बेयर बिल बी सेल बी,
हैज हैव हैड विल हैव शैल हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये हमारा सहायक क्रिया है। अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए इधर नियम तीन में क्या है, अब नियम तीन में देखिए, अब नियम तीन में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो है ये सहायक क्रिया से प्रारंभ है, यानी कि आर से प्रारंभ है, इज आर एम से प्रारंभ हो, या हैज हैव हैड से प्रारंभ हो, या डू डज डिड से प्रारंभ हो, या विल शैल से प्रारंभ हो, तो हम समझ लेंगे सहायक क्रिया से प्रारंभ है। जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो हम क्या करते हैं, ही सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं, सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं, और उसके आगे जो टू लिखा हुआ है इसको हम नहीं लिखते हैं, और टू के आगे जो लिखा हुआ है इसको हम फिर उतार लेते हैं। अब बात आई कि अभी तक हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट लगावत रहे, अब दैट ये हमारे लगावत रहे क्योंकि जहां यहां सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है तब यहां कर्ता से प्रारंभ होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हुए तब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए या तो हम इफ का प्रयोग करेंगे और या तो यानी कि होइदर का प्रयोग करेंगे। चाहे इफ का प्रयोग करिए चाहे होइदर का प्रयोग करिए, तो इफ जो है छोटा है तो इफ का ही प्रयोग करिए। तो लिखा ही आस्क्ड मी और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक कह रहे हो कि गुरु जी अभी तक कहा कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते थे तो अब इफ क्यों लगा रहे हो, तो वही तो हम बता रहे हैं कि हम दैट का प्रयोग कब करते थे, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होता था। अगर वही यह कर्ता से प्रारंभ हो तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अब सहाय यानी कि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ है इसलिए हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग किए ही। हाँ क्या करें, हाँ ठीक ठीक कह रहे हो, मतलब यही ना कि मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तो हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो इफ का प्रयोग करेंगे ना, सही, मतलब इसे नोट कर लीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ का ही प्रयोग करेंगे। अब जब कामा इन्वर्टेड कामा हट जाए तो तनिक रुक जा, हर वीडियो बताए ही, तो रुक करके अब चलेंगे कहां पर, सीधे कर्ता पे चलेंगे। ये तो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया क्या है, कर्ता लिखा हुआ यू। जब हमारे इन्हीं के कामा इनोटेड कामा जब हट जाए तो सीधे हम चलेंगे कहां पर, कर्ता पे। अब देखा हुआ कर्ता का लिखा है, देखा नहीं है यू लिखा है, अब ये पता लगा हुआ यू कौन सा पर्सन है, तो हम पता लगाए तो यू सेकंड पर्सन आ, अब ई पता लगा हुआ कि यू सेकंड पर्सन आ तो किसके अनुसार बदले, तो अब हम सूत्र में 123 बटे सन के सूत्र में देखेंगे। इसमें हमने देखा दो जो है दो नीचे ओ लिखा है, दो का मतलब सेकंड पर्सन, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि कर्म के अनुसार। अब यहां यू है, ये सेकंड पर्सन है, अगर यहां सेकंड पर्सन है तो यहां के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यहां ऑब्जेक्ट मी है तो यू की जगह पर यहां आई हो जाए, यहां यू की जगह पर आई हो जाए। यू की जगह पे आई हुई है। अगर अब जैसे हम वीडियो नंबर दो में पार्ट टू में हम बताए हैं अगर ये मी रहे, अगर ये यू है तो, अगर ये मी है तो आई हो जाए, अगर ये यू है ये ही है तो ये ही हो जाए,
अगर यहाँ यू है यहाँ देव है तो यहाँ दे हो जाए, अगर यहाँ यू है यहाँ अस है तो यहाँ वी हो जाए। यह तरह से यानी कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। आप चलिए एक हिसाब लिखा, अब ये देखिए कौन सा टेंस है, इसमें ई आर एम, ई हो या आर हो या एम हो, तीन में से एक कौन हुआ, अब क्रिया में आई भी लाग हुआ, तो एक मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसा कि हमने पार्ट टू में हमने बताया है। अगर ई आर एम तीन में से एक कौन हुआ अब क्रिया में आया मतलब आईंगी लाग हुआ तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, तो जो नियम है उसके अनुसार तो यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया वाज या बियर, वाज बियर है, तो अगर ये एक वचन करता है तो वाज लिखेंगे, बहुवचन करता है तो बियर लिखेंगे। अब ये आई, अब आई जो है इसको यानी आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, हमेशा याद रख लीजिएगा, इसलिए इज आर आई एम की इज होता है, आर होता है, आई एम होता है, ये तीनों से कोनो ही हो तो आई के आगे हम वाज ही लिखते हैं, वाज में क्या एक हिसाब हो गया और एक हिसाब हो गया। अब यही इतने तीन हिसाब नहीं हुआ है, अब इसको तीनों की क्या करेंगे हम ज्यों करते हैं वैसे हम उतार लेंगे। इसमें क्या होगा इनडायरेक्ट में, इसमें अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो ये ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, अगर इसमें कहीं दिक्कत रही हो हम दूसरा वाक्य देते हैं। देखिए दूसरा वाक्य है राम सेड टू मी कामा इनोटेड कामा Have you gone to school? यानी क्या तुम स्कूल जा चुके हो? राम said to me, राम माने राम said माने कहा, to me माने मुझसे, राम ने मुझसे कहा Have you gone to school? अगर सहायक क्रिया पहले लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है क्या, क्या तुम स्कूल जा चुके हो? अब इसका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे हम, पहले समझिए वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए, नरेशन बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे, एक एक नियम बताएंगे, लेकिन यह है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। जैसे अब हम पहले सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच हमारा किससे प्रारंभ है, तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच हैव से प्रारंभ है। अब ये पता लगावा कि हैव कहीं कर्ता तो न बटे, अगर कर्ता होए तो फिर नियम दुई लागे, अगर हैव सहायक क्रिया होए तो नियम तीन लागे। अब हम आए ही इज आर एम वाज बेयर विल बी शैल बी हैव हैड और डू डज डिड, ये सहायक क्रिया है, तो हैव ये सहायक क्रिया है। तो सुनिए यदि रिपोर्टेड स्पीच जो हम बोलते हैं इसको हम कॉपी पे नियम डाल करके लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कॉपी में नियम तीन में, यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं और टीमोटू को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या विदर का प्रयोग करते हैं, बाकी वही पुराना नियम लगाते हैं, बाकी वही पुराना नियम को मतलब कि कर्ता पे चला, कर्ता देखा कौन पर्सन है फिर वो किसके अनुसार चेंज होए उसके अनुसार चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा किस टेंस में है फिर उस टेंस को बदल देंगे,
वही पुराना नियम, जो भी नियम लगता है इसी के अनुसार इसी में चेंज होता है, इसमें तो बाकी वही पुराना नियम लगेगा। जैसे हमने बता दिया कि यह सहायक क्रिया से प्रारंभ है, तो हम राम हम सेड को हम आश्रित में बदल देंगे और टीओ टू को हटा देंगे, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेंगे। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम इफ का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो यार कल यह तो नरेशन हुआ कर रहा, तो हमन कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया, आज तो यार इफ लिखा था काहे बोले, तो हम बताओ भाई कलिया जब हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो इन्हीं रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ रहन है, तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किए हैं। लेकिन आज हमारे रिपोर्टेड स्पीच के तो मतलब चेहरा बदल चुका हुआ, अब उसका इन्हीं उसमें देखिए सहायक क्रिया से शुरू है। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो हमेशा जान लीजिए कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ का ही प्रयोग करेंगे, चाहे इफ का प्रयोग करिए चाहे उधर का करिए। तो इफ का प्रयोग करने जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो हम कहा बताइए कहां चलेंगे, सीधे रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पे चलेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यही है जो सहायक क्रिया के आगे लिखा हुआ है। अब यहां देखा नहीं कि सहायक क्रिया यू है तो मतलब कर्ता यू है, अब देखा यानी कि यू कौन सा पर्सन है, हमने देखा यू जो है वो सेकंड पर्सन है। अब हम सेकंड पर्सन अगर यू सेकंड पर्सन है इसको किसके अनुसार बदलेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां ये यू की जगह पे आई, अब अगर यू की जगह पे आई हुई है अब सहायक, अब देखिए जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता बदल जाए तो अब देखा कि कौन है टेंशन बाई, अब जो ने सेंटेंस में है या है लिखा हो और क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखा हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि हम पार्ट टू में बताए हैं, अगर हैज या हैव लिखा हो और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा हो तो हम समझ लेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको बदलना है हमें किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया होगी यानी हैज, पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या हैड है, तो इसका मतलब इसमें हम हैड लिख देंगे। इसमें भी क्रिया थर्ड फॉर्म लगता है, हैड के साथ भी क्रिया थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए हम गॉन टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन मार्क हट जाए। तीसरा क्या है, आई सेड टू हर कामा इनवर्टेड कामा, आई सेड मैंने कहा टू हर उससे, मैंने उससे कहा, मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा डिड यू कुक फूड, डिड यू कुक फूड क्या तुमने भोजन पकाई, तो कहने का मतलब अब देखिए ध्यान से, नारेशन कठिन नहीं है लेकिन वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, हम एक एक पॉइंट हम बताएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ है, डिड से, डिड है क्या सहायक क्रिया, डू डज डिड बिल सेल हैड है, बिल है सेल है और यानी कि ई आर आई एम वाज बी आर, तो अब ये डिड क्या है, ये सहायक क्रिया है, जैसा कि हम यहां से हम बताते चले आ रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो
तो हम क्या करते हैं, आई सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं और टीओ टू को हटा देते हैं, उसकी आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए आई एफ इफ का प्रयोग करते हैं। फिर बताए हैं हर पार्ट में हमने बताया है कि जब कामा इनवर्टेड कामा हट गया तो रुक जा। अब देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता कावा है, तो हम देखा थे कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू है। अब देखा यू कौन सा पर्सन है, फिर हमने पता लगाया तो यू जो है सेकंड पर्सन निकला। अगर यू सेकंड पर्सन है तो अभी पता लगा लिया कि यू अगर सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदला जाए। तो हम इन्हीं की जब हम गए सूत्र में गए 123 बटे सन के अंदर गए तो मतलब उसमें हमने क्या देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। अगर यहाँ हर है तो यहाँ यू की जगह पे हो जाए सी, जैसा हमने बताया। अगर यह हिम होता है तो यह ही हो जाता है। अब हम अब 21 टेंस में है तो जिस सेंटेंस में अगर डिड रहे तो समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सहायक क्रिया डिड है। अगर डिड है तो समझ लेना कि कौन किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हैड है और हैड के साथ एक क्रिया थर्ड फॉर्म लगता है, जो नहीं कुक लिखा है कुक कुक्ड कुक्ड, तो इसको हम कुक्ड कर देंगे, कुक्ड फूड। देखिए यानी कि नियम तीन में, नियम तीन में आप लोगों ने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ था। तो इसका मतलब हमको जानकारी हो गई, जानकारी क्या हुई कि जब रिपोर्टेड स्पीच इन्हीं सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तो हम सेड को आस्क्ड में बदलेंगे और जो उसके आगे टू लिखा रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, और टू के आगे जो लिखा रहेगा उसको हम उतार लेंगे ज्यो का त्यों। और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो हेडर का प्रयोग करेंगे। बाकी इसमें जो हम रूल वन से लगाते चले आ रहे हैं वही नियम लगाएंगे, बशर्ते ये है कि डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब उसको हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय भारत।